नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं माधव शर्मा खुश जीवन राशि फल के YouTube चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 10 जून 2021 गुरुवार के पंचांग के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज देव पितृकार्य अमावस्या है। आज के दिन पितरों के निमित्त हमें तर्पण और पूजन अवश्य करना चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। आज सबसे महत्वपूर्ण दिन शनि जयंती भी है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को शनि जयंती मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था। शनि देव सूर्य पुत्र हैं। आज के दिन शनि जयंती के उपलक्ष में उपवास रखा जाता है। आज लकड़ी के पट्टे पर काला कपड़ा बिछाकर शनि देव की प्रतिमा या तस्वीर रखकर शुद्ध घी और तेल का दीपक अवश्य जलाएं और शनिदेव के मंत्र का अवश्य ही जप करें। शनि जयंती के दिन शनि मंत्र का जप करने से आपके भाग्य में अचानक परिवर्तन आते हैं। आइए शुरू करते हैं 10 जून 2021 का पंचांग। वार गुरुवार। विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, माह ज्येष्ठ माह, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि अमावस्या तिथि जो कि शाम 4:22 तक रहेंगे, नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र जो कि 11:44 तक रहेगा सुबह, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो जाएगा, योग धृति योग जो कि सुबह 7:48 तक रहेगा, उसके बाद शूल योग प्रारंभ हो जाएगा जो कि अशुभ योग माना गया है। बात करें करण की, नाग करण जो कि शाम 4:22 तक रहने वाला है, उसके बाद किस्तुग्ना करण लग जाएगा। आइए बात करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाओं की। सूर्योदय प्रातः 5:29, सूर्यास्त शाम 7:13, सूर्यदेव शुक्रदेव की राशि वृष राशि से गोचर कर रहे हैं। चंद्रोदय सुबह 5:04, चंद्रास्त शाम 7:22। चंद्र राशि की अगर हम बात करें तो चंद्रदेव शुक्रदेव की राशि वृष राशि से गोचर कर रहे हैं। वृष राशि चंद्रदेव की उच्च की राशि मानी गई है। बात करते हैं शुभ समय की। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह 3:55 से 4:43 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त में हम अपने ईष्ट देव की आराधना और उनका मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। बात करते हैं अभिजित मुहूर्त की। 11:52 से और 12:48 तक अभिजित मुहूर्त रहने वाला है। कोई भी शुभ कार्य अगर हम किसी दिन शुरू करना चाहते हैं और हमें कोई शुभ चौगड़िया या शुभ मुहूर्त नहीं मिल पा रहा है तो हम अभिजित मुहूर्त में अपने उस शुभ कार्य को शुरू कर सकते हैं। आज आनंदिक योग उत्पात योग रहेगा जो कि एक अशुभ योग माना गया है जो कि 11:44 तक रहने वाला है। बात करते हैं आज के चौगड़िए की। सबसे पहले शुभ का चौगड़िया 5:29 से सुबह 7:12 तक रहने वाला है। शुभ का चौगड़िया अच्छा समय है। शुभ के बाद रोग का चौगड़िया 7:12 से और 8:55 तक रहेगा। रोग का चौगड़िया अशुभ समय माना गया है। रोग के बाद उद्वेग का चौगड़िया 8:55 से 10:39 तक रहेगा। उद्वेग का चौगड़िया भी अशुभ समय माना गया है। उद्वेग के बाद चर का चौगड़िया 10:39 से 12:22 तक रहेगा। चर का चौगड़िया एक सामान्य समय माना गया है। चर के बाद लाभ 12:22 से दोपहर 2:04 तक रहने वाला है। लाभ का चौगड़िया अच्छा समय शुभ समय माना गया है। लाभ के बाद अमृत 2:04 से 3:48 तक रहने वाला है। अमृत का चौगड़िया भी एक अच्छा समय शुभ समय माना गया है। अमृत के बाद काल 3:48 से 5:30 तक रहने वाला है। काल का चौगड़िया अशुभ समय माना गया है। काल के बाद शुभ 5:30 से शाम 7:13 तक रहेगा। शुभ का चौगड़िया अच्छा समय माना गया है। शुभ, लाभ और अमृत ये तीनों चौगड़िये अत्यंत शुभ हैं। रोग, काल और उद्वेग इन्हें अशुभ चौगड़ियों की संज्ञा दी गई है। बात करते हैं अशुभ समय राहु काल और गोलिक काल की। जो राहु काल है वो दोपहर 1:30 से और 3 बजे तक रहेगा। गोलिक काल सुबह 8:30 से और 10 बजे तक रहने वाला है। राहु काल और गोलिक काल दोनों अत्यंत अशुभ समय माने गए हैं। किसी भी शुभ कार्य में इन दोनों समय को सम्मिलित नहीं करना चाहिए और इन दोनों समय में कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। बात करते हैं दिशाशूल की। तो आज का दिशाशूल है दक्षिण दिशा, यानी आज दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। फिर भी अगर बहुत ही जरूरी है तो आप दिशाशूल का परिहार करके यानी दही का सेवन करके आज यात्रा कर सकते हैं। बात करते हैं कौन कौन सी राशियाँ आज शुभ राशियाँ हैं। वृष
कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, ये सभी राशियां आज शुभ राशियां रहने वाली हैं। बात करते हैं नामाक्षर की और जन्म राशि और जन्म पाई की। तो आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनके नामाक्षर हैं वू, वे और वो। राशि की बात करें इनकी सभी की वृष राशि रहेगी और जन्म पाया स्वर्ण का पाया रहने वाला है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे आप इसे लाइक करें। हमारे खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।